नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते। इस बार आपको मणिकर्ण गुरुद्वारा साहिब लेकर चलती हूँ। चंडीगढ़ से कुल्लू जाते हुए रास्ते में लगभग 45 किलोमीटर पहले भुंतर से मणिकर्ण के लिए एक संकरा सा रास्ता कटता है। पार्वती नदी के किनारे उबड़ खाबड़ सड़क से होते हुए मुझे मणिकर्ण पहुँचना है। यह वही स्थान है जहां गर्म पानी के स्रोत को सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने खोजा था। पार्वती घाटी की गोद और पार्वती नदी के किनारे बसा छोटा सा इलाका है मणिकर्ण। पहाड़ी बाजार से होते हुए मैं देख रही हूं कि रास्ते में जगह जगह धुआं दिख रहा है। दूर से देखने पर लगता है कि किसी ने कुछ जलाया होगा, तभी धुआं उठ रहा है। पास जाकर पता चला कि यह गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड है जहाँ से धुआं निकल रहा है। कुंड के पानी के अंदर हाथ डाला, कुछ ही सेकंड में हाथ बाहर निकालने पड़े। मुझे बताया गया कि यह भी मान्यता है कि यहाँ मौजूद गंधकयुक्त गर्म पानी में जो कोई भी स्नान कर ले उसकी कई बीमारियाँ, खास तौर से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। पूरे मणिकर्ण में आपको पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान घर मिलेंगे। यहाँ मौजूद मंदिरों में से किसी एक में भी आप स्नान कर सकते हैं, जैसे शिव मंदिर या राम मंदिर और विष्णु कुंड या मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद मैं मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा की तरफ बढ़ती हूँ। यह स्थान हिंदुओं और सिखों दोनों के लिए ही तीर्थ है। गुरुद्वारे से ठीक पहले एक शिव मंदिर है, बल्कि कहें कि मंदिर और गुरुद्वारे की एक ही दीवार है। इस शिव मंदिर का इतिहास अपने आप में अहम है। शिव मंदिर के पुजारी देवेंद्र भारद्वाज बताते हैं कि सतयुग में 11,000 साल तक शिव और माँ पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी। एक दफा जब माँ पार्वती नहा रही थी तो उनके कान की बाली की एक मणि पानी में जाकर गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों से उस मणि को ढूंढने के लिए कहा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मणि नहीं मिली। ऐसे में भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। इससे नैना देवी पैदा हुई। नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि वह मणि शेषनाग के पास है। देवताओं के कहने पर शेषनाग ने वह मणि तो वापस कर दी, लेकिन इतनी जोर से हुंकार भरी कि यहाँ का पानी गर्म हो गया। इस वजह से यहाँ का नाम मणिकर्ण पड़ा। पुजारी जी की कहानी से यह मतलब निकला कि शेषनाग के गुस्से की वजह से पानी उबल रहा है। शिव मंदिर और मणिकर्ण इलाके का नाम कैसे पड़ा यह जानने के बाद मैंने गुरुद्वारे का रुख किया। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा जाने के लिए चार सीढ़ियां उतरकर अंदर ही अंदर एक पतली सी गली है। जैसे ही इस गली के अंदर घुसते हैं, लगता है कि सेंट्रलाइज हीटर लगी किसी इमारत के अंदर आए हैं। इतनी तपिश कि मैंने फौरन स्वेटर उतार दिया। स्वेटर उतारने के बाद भी गर्मी लग रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ का लंगर हॉल देखा। लंगर में कढ़ी, काले चने, चावल और रोटी परोसी जा रही है। सुनते हैं कि यह सारा लंगर आग पर नहीं बल्कि पानी पर पका है। लंगर तो खैर हमेशा स्वादिष्ट ही होता है, लेकिन इस लंगर की बात ही कुछ और है। इस मीठे पानी में पके लंगर का स्वाद भी मीठा है। लंगर का स्वाद लेने के बाद मैंने चाय पी और फिर गुरुद्वारे की ओर चल पड़ी। गुरुद्वारे में वाणी हो रही है, पाठ हो रहा है। इस गुरुद्वारे की दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। ऐसा मैंने किसी और गुरुद्वारे पर नहीं देखा है। इस 7 मंजिला गुरुद्वारे में लगभग 3,000 श्रद्धालुओं के रहने की व्यवस्था है। लगभग 200 सेवादार स्थायी तौर पर यहाँ रहते हैं। मेरी मुलाकात सेवादार सिमरन कौर से होती है। वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही गुरुद्वारा साहिब में ही रहती है और सेवा करती है। गुरुद्वारे का प्रतिनिधित्व बाबा श्री राम जी कर रहे हैं। उनके ससुर नारायण हरि ने 1940 में इस स्थान की खोज की थी और यहाँ गुरुद्वारा बनवाया था। वे कहते हैं यहाँ का खास आकर्षण 94.4 डिग्री पर उबलने वाला पानी है जो प्राकृतिक तौर पर गर्म है। यह पानी मीठा है, इस वजह से इसमें पका भोजन अति स्वादिष्ट होता है। दुनिया भर से कई साइंटिस्ट की टीम इस पानी पर रिसर्च कर चुकी है। जापान की टीम ने दावा किया था कि इस उबलते पानी में रेडियम है,
जिस वजह से यह पानी उबलता है। रेडियम की वजह से ही यह पानी मीठा भी है। गुरुद्वारे के ठीक नीचे एक गुफा है। इस गुफा में जाने के लिए अंधेरा संकरा रास्ता है, जहां झुककर जाना होता है। यह गुफा भी इतनी गर्म है कि यहां आपके पाँव जलने लगते हैं। लगता है कि आप तप रही भट्टी की गोद में बैठ गए हैं। बाहर की सर्दी से बचने के लिए और शांति के लिए लोग इस गुफा में आकर बैठते हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव अपनी यात्राओं के दौरान अपने सेवकों बाला और मर्दाना के साथ यहां आए थे। मर्दाना को भूख लगी तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि यहां न आग है और न बर्तन है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप रोटियां बनाओ और इस पत्थर को यहां से हटा दो। पत्थर हटाने पर मर्दाना ने देखा कि वहां से गर्म पानी निकल रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि यह रोटियां इस पानी में छोड़ दो। पानी में रोटियां छोड़ने के बाद मर्दाना ने देखा कि रोटी डूब गई। मर्दाना ने कहा कि अब क्या करें। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि भगवान का नाम लेकर एक और रोटी पानी में डालो। मर्दाना ने वैसा ही किया तो वह रोटी बन गई। इससे गुरु नानक देव यह संदेश देना चाहते थे कि भगवान का नाम लेकर कोई कुछ देता है तो उसका डूबा हुआ भी तर जाता है। इसी पानी में पूरियां और समोसे भी बनाए जाते हैं। यहाँ इन समोसे को सिड्डू कहते हैं। इन्हें घी के साथ खाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ सिड्डू बनाकर खाया था। मान्यता यह भी है कि गुरु नानक देव जी ने इस मीठे पानी को खोजा और इसमें खाना पकाया था, इसलिए ही यहाँ बना खाना स्वादिष्ट और मीठा होता।